आपसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विजय राणा का नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वोत्कृष्ट युवा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से करा रहे हैं। पिछले वर्ष जब भारत की टीम अपनी इंग्लैंड यात्रा से लौट रही थी तो मैंने टीम के प्रबंधक श्री माधव मंत्री से अनुमति लेकर सचिन तेंदुलकर के साथ ये भेंटवार्ता रिकॉर्ड की थी। टेलीफोन पर की गई इस बातचीत में अपने आरंभिक जीवन के बारे में सचिन तेंदुलकर ने मुझे बताया था। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में दादर करके एक जगह है वहाँ, और मेरा जन्म 1973 में हुआ, और मेरे पिताजी सिखाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है वो, और मेरी माँ LIC में काम करती है। मेरे पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर और मेरी माँ का नाम रजनी तेंदुलकर। आप कितने भाई बहन हैं? दो भाई और एक बहन। अच्छा, मेरे को और दो भाई है और एक बहन। क्या वे भी आपकी तरह क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, वैसे वो तो नहीं खेलते, बड़ा भाई खेलता है लेकिन क्लब क्रिकेट खेलता है वो। अच्छा, ये बताइए सचिन तेंदुलकर, आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा बॉम्बे में ही हुई, बॉम्बे में शारदाश्रम विद्या मंदिर करके स्कूल है, वहीं पे मैं पढ़ता था। वैसे कॉन्वेंट स्कूल तो नहीं लेकिन अच्छा स्कूल है वो, और वहां मैं जाने का मेन रीजन था कि मैं क्रिकेट के लिए वहां गया। अच्छा, वो स्कूल बहुत अच्छी थी, क्रिकेट की टीम। सचिन तेंदुलकर, ये बताइए कि स्कूल में किस क्रिकेट का जो शौक हुआ तो वहाँ आपको किस, आपके कोच कौन थे, आपके शिक्षक कौन थे? वैसे तो मैं पहले 11 साल का था तब क्रिकेट शुरू किया, जब मेरे भाई ने मुझे पहले, मेरे कोच मिस्टर रमाकांत आचरेकर, उनके पास लेके गए, और वहां से मेरा क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, और वैसे अब तक भी वही मुझे कोचिंग करते आ रहे। क्या उन्होंने कुछ और भी होनहार खिलाड़ियों को कोचिंग किया है? हाँ, वैसे उन्होंने प्रवीण आमरे करके एक है, वो भी इंडिया प्रोबेबल है, चंद्रकांत पंडित, बलविंदर सिंह संधू, लालचंद राजपूत, ऐसे अच्छे प्लेयर को कोचिंग किया। यानी कि आपके स्कूल से एक के बाद एक भारत स्तर के खिलाड़ी निकलते रहे हैं? हाँ, मेरे पहले वो सब खेले हैं। अच्छा, ये बताइए सचिन तेंदुलकर कि बचपन में आपके घर के आसपास, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में आमतौर पे होता है कि छोटे बच्चे निकल जाते हैं खेल के मैदान में और दिन रात खेलते हैं, क्या इस तरह से आप भी खेलते रहे थे? मैं हमेशा नीचे खेलता रहता था और मेरे घर वाले हमेशा परेशान रहते थे कि कहाँ गया कहाँ गया वो, और जब जब देखो तब मैं नीचे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहते था। तो जैसा कि हमारे भारतीय घरों में होता है कि माता पिता कहते हैं कि भाई खेलना बहुत बुरी बात है और ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या इस तरह के दबाव, इस तरह की डांट फटकार भी कभी आपको मिली? मेरे घर से तो मुझे नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मेरे पिताजी खुद प्रोफेसर थे, इसलिए उन्हें पता था कि जब खेलेगा ठीक से उसी के बाद वो ठीक से पढ़ सकेगा, नहीं तो उसका आधा ध्यान खेलने की जगह रहेगा और आधा ध्यान पढ़ने की जगह, तो ऐसा ठीक नहीं होगा। तो पढ़ने के टाइम वो कहते थे ठीक से पढ़ाई करने का, और खेलने के टाइम तुम कुछ ध्यान में मत रखना। अच्छा, सचिन तेंदुलकर, सारी दुनिया ये जानती है कि आप की बल्लेबाजी दुनिया में बेजोड़ है और इतनी कम उम्र में जो शोहरत आपको मिली है, लेकिन पढ़ाई का हाल क्या है? पढ़ाई तो मैं अभी कॉलेज में आर्ट्स कर रहा हूँ, जूनियर कॉलेज में, कीर्ति कॉलेज में। अच्छा, कौन सी कक्षा में है? 12वीं में हूँ मैं अभी। और क्या विषय है आपके पास? आर्ट्स में लैंग्वेजेस है, मेरे 4 लैंग्वेजेस कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और संस्कृत। संस्कृत भी आप पढ़ रहे हैं? हाँ। सचिन तेंदुलकर, ये तो रही आपके बचपन की बात, आपकी क्रिकेट के जो रिकॉर्ड बनाने कब से शुरू किया आपने? रिकॉर्ड वैसे तो मैं बनाने के इससे नहीं खेल रहा था, मैं खेलते गया और रिकॉर्ड अपने आप बनते गए। तो स्कूल लेवल पे जो बड़े रिकॉर्ड थे वो किस तरह के थे? एक रिकॉर्ड था कि उसमें मैंने और मेरे साथीदार ने, विनोद कामली ने, हमने बड़ा रिकॉर्ड किया 664 नॉट आउट का, पार्टनरशिप का, और वो अब तक वर्ल्ड में एनी क्लास ऑफ क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है। तो ये किसके खिलाफ आपने बनाया था और किस टीम की ओर से खेलते हुए बनाया था, और आपका और आपके साथी का स्कोर क्या था? ये हमने सेंट जेवियर्स करके स्कूल के अगेंस्ट किया, और मेरा स्कोर उसमें था 329 नॉट आउट, और मेरे पार्टनर का 349 नॉट आउट। अच्छा, यानी कि 664 की पार्टनरशिप थी। हाँ। अच्छा, सचिन तेंदुलकर, इसके बाद जब आप स्कूल के बाद आगे निकले तो और अभी तक आपने कितने शतक और दोहरे शतक बनाए हैं? ऐसे तो मुझे याद नहीं, मैंने बहुत बहुत
बहुत अच्छे स्कोर किया है, लेकिन फर्स्ट क्लास में मैंने 3 किए, सो बाद में स्कूल के इसमें तो बीच में गैप, तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलना पड़ा जी। अच्छा, यानी स्कूल से आप सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए? स्कूल से फर्स्ट क्लास खेला पहले, बाद में इंटरनेशनल। अच्छा, रणजी ट्रॉफी में आपके कोई या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपके कुछ शतक हैं जो बड़े बड़े स्कोर आप बता सकते हैं? एक्चुअली मैं 8 मैचेस खेला, 8 मैचेस में मैंने 2 शतक किए और मैंने मेरे डेब्यू पे ही 100 नॉट आउट किया। ये 100 मैंने गुजरात के अगेंस्ट किया और दूसरा 100 जो मैंने रेस्ट ऑफ इंडिया से दिल्ली के अगेंस्ट किया, वो 102 नॉट आउट किया वहाँ। और 8 मैचेस में मैंने 650 किए और हाईएस्ट स्कोरर था मैं बॉम्बे के लिए। सचिन तेंदुलकर, अब आइए आपको हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, भारत में आपने भी कोई टेस्ट मैच खेला है? भारत में तो अब तक नहीं खेला हूँ मैं। अच्छा, ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि अपनी धरती पे आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं खेला है, दुनिया में नाम कमा लिया है? अजीब वैसे लगने की बात नहीं, क्योंकि मैं वहीं से खेल के टेस्ट में आया, तो वहां को उस जगह को मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, ये बताइए सचिन तेंदुलकर, न्यूजीलैंड में जब आपने शानदार 88 रन बनाए, उस पारी के बारे में आपका क्या ख्याल, क्या कैसा अनुभव किया था आपने वो बारी? वैसे तो मैं बहुत अच्छा खेला था उस बारी में और मैं ये सोच के नहीं खेला था कि मुझे किसी रिकॉर्ड करने के लिए करने का है स्कोर या ऐसा कुछ कर सोच के नहीं गया था। और मैं वहीं पे विकेट पे खड़ा रह के मेरा अपने आप स्कोर बन गया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा 88 हो गया। और यानी कि जब आप 88 रन के आसपास पहुंच गए थे तो आपको लगने लगा होगा कि सेंचुरी बनने वाली है, तब आपको क्या इस बात का इल्म था कि आप टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे? हाँ, तब मुझे पता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके पहले दिन जब मैं 80 पे बैटिंग कर रहा था तब मुझे बिल्कुल ये बात पता नहीं था और वो मन में आया मेरे, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर प्रेशर आया और मैं जल्दी कर दिया, जल्दी हो गई मेरे से और मैं आउट। अच्छा, किसने आउट किया था और उस समय आपको क्या महसूस हुआ? उस समय मुझे डैनी मॉरिसन ने कॉट एट मिड ऑफ पे मेरा कैच गया था और उस समय मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि तूने अपनी 100 मिस कर दिए, पहले 100 इतने नजदीक आके भी तूने मिस कर दिए। ये न्यूजीलैंड के बाद आपकी अगली यात्रा इंग्लैंड की हुई और इंग्लैंड के बारे में आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ क्रिकेट की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग किस्म की हैं। कुछ फर्क महसूस हुआ आपको जब इंग्लैंड में आप खेलने आए? इतना फर्क कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि इसके पहले 2 बार मैं आ चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पहले क्या कुछ खेलने का अनुभव भी था आपको? हाँ, मैं इसके पहले 2 साल आया था, तब मैं क्रिकेट की वजह से यहाँ आया था। अच्छा, कौन से सन की बात है? ये गए साल और उसके पहले साल की बात है और मैं हमारे अंडर 19 टीम से आया था, जूनियर टीम से, प्राइवेट टूर से 1 महीने के लिए यहाँ आया था खेलने के लिए। कौन लेके आए थे उस टीम को? कैलाश गटानी करके, वो हमारा स्टार क्रिकेट क्लब लेके आए थे। और उस यात्रा में आपने काफी मैचेस यहाँ खेले होंगे? हाँ। कोई बड़ा स्कोर बनाया था उस यात्रा में? उसमें मैंने 15 गेम में 515 कुछ किए थे। कोई शतक था उसमें? एक शतक था, वो याद नहीं मैं मुझे किसके अगेंस्ट किया था। सचिन तेंदुलकर, अब आइए लंदन में जो आपने जो टेस्ट क्रिकेट लॉर्ड्स में जब पहली पारी में आप बहुत अच्छा रन नहीं स्कोर कर सके, क्या अनुभव किया आपने? क्यों, मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, लॉर्ड्स पे खेल रहा हूँ या ऐसे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, मैं मुझे जैसा लग रहा था वैसे मैं खेलने गया। अच्छा, जहाँ अलग जगह जाता हूँ वैसे मैं लॉर्ड्स पे गया। इसके बाद ओल्ड ट्रेफर्ड में जो आपने पारी खेली, खासतौर से जो शतक बनाया, उसके बारे में ब्रिटेन के अखबारों में जितना ज्यादा लिखा गया है उतना शायद किसी एक खिलाड़ी के बारे में मैंने यहाँ 8 साल में तो नहीं देखा कम से कम। सचिन, ये बताइए कि उस पारी में आपने अपना जो कैरेक्टर था, अपना जो चरित्र था, वो पूरी तरह से बदल दिया था। कहा आपके बारे में ये कहा जाता था कि हर गेंद के पीछे भागते हैं, लेकिन उस पारी में जितने धैर्य के साथ खेला, तो क्या आप ये मान करके आए थे कि भारत की रक्षा करनी है हमें? हाँ, वो तो मेरे मन में था हर बार, क्योंकि हमारे जल्दी 2 विकेट गए थे और पूरा दिन निकलना था वहां से, तो मैं मन में सोचा था कि तू अगर घाई नहीं, अगर तू जल्दी नहीं करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे को हर एक बॉल मन लगा के खेलना चाहिए।
लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो गेंद की धुआंधार पिटाई करने के लिए मशहूर हैं, वो अचानक अपना कैरेक्टर नहीं बदल पाते। आपने कैसे किया? वो कैरेक्टर बदलने की जरूरत नहीं रहती है, वो गेम की सिचुएशन देख के अपने आप बदल जाता है, उसके लिए स्पेशल बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती। सचिन, ये बताइए कि ये हिंदुस्तान में पहले भी हुआ है जब कोई खिलाड़ी कम उम्र में बड़ी ज्यादा शोहरत पा लेता है तो कहते हैं कि उसका उसका मन कुछ विचलित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ गर्व का अनुभव होता है वो खिलाड़ी, आपको कैसा लगा? मुझे तो अब तक ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई दूसरा मेरे साथ हमेशा रहता रहेगा, उसको पता चलेगा। सचिन, अंत में एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र में आपने दुनिया भर के गेंदबाजों का सामना किया है, रिचर्ड हेडली जो दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज माने जाते हैं उनका सामना किया है, हेडली की गेंदों का सामना करते हुए क्या महसूस कर रहे थे? एक तरफ क्रिकेट का सबसे अनुभवी और सबसे महान गेंदबाज था और एक तरफ आप सबसे कम अनुभव लेकर के सबसे कम उम्र में टेस्ट खेल रहे थे, कैसा लग रहा था हेडली की गेंदों का सामना करते हुए? ऐसे तो मुझे कोई अलग नहीं लग रहा था, लेकिन मगर जब दो बॉलर डालते थे तब पता चलता था कि हेडली का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, और वो हर एक बॉल खिलाता था बैट्समैन को और बहुत कम बाहर देता था कि वो बॉल तुम आराम से छोड़ सको, हर एक बॉल खिलाने को देखता था, और मुझे लगता है वो ही करना चाहिए बॉलर ने। सचिन, आइए अब आपकी पाकिस्तान यात्रा की चर्चा करें। पाकिस्तान में कहते हैं फैसलाबाद टेस्ट में एक के बाद एक बाउंसर्स आपके ऊपर फेंके गए। हाँ। क्या कुछ घबराहट हुई थी, क्योंकि इमरान खान फेंक रहे हों, वसीम अकरम फेंक रहे हों, यूनुस वकर फेंक रहे हों, यानी दुनिया का सबसे तेज आक्रमण वेस्टइंडीज के बाद आपने झेला, कैसा लग रहा था उस समय? कुछ नहीं, मैं इतना ही सोच के गया था कि तेरे को जितना देर तू विकेट पे खड़ा रहेगा उतना तेरा स्कोर बढ़ता जाएगा, और मैंने ये सोच के गया था कि तू बॉल के ऊपर का तूने नजर नहीं हटानी। और एक गेंद जहां तक मुझे याद पड़ता है आपके हेलमेट पर भी लगी थी। नहीं, मेरे वो नाक पे लगी गेंद। अच्छा, क्या चोट आई थी? हाँ, वो अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में होता है, लेकिन वो इतना ही नहीं, ठीक था। एक बात बताइए कि इतने तेज गेंदबाजों को झेलते हुए कहीं मन में दहशत होती है? नहीं, कभी नहीं। कभी दहशत नहीं होती? सचिन तेंदुलकर, हिंदुस्तान में बहुत से विद्यार्थी हैं आप ही की उम्र के जो बड़े क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उन छात्रों को आप क्या सलाह देंगे अपने अनुभव के आधार पर? सलाह तो मैं ऐसा कुछ अलग नहीं दे सकता हूँ, एक ही चीज कह सकता हूँ कि सही तरह से प्रैक्टिस करने को देखो, और सिर्फ ऐसे ही क्रिकेट खेलना करके मत खेलो, उसको थोड़ा बहुत सीरियसली लो, और जब तुम फील्ड पे रहते हो तब क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो, और जब ऑफ द फील्ड रहते हो तब कुछ भी तुम्हारे ऊपर रहता है, लेकिन जब तक तुम फिट रहते हो तब तक सब कुछ ठीक चल जाता है। अभी आप इंग्लैंड की यात्रा पूरी करके जा रहे हैं, और इस यात्रा को आप किस तरह से याद करेंगे, यानी कि आज से 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अपने क्रिकेट जीवन में आगे जाकर के इस यात्रा में आपने क्या सीखा और क्या पाया? वैसे इस यात्रा में मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ, क्योंकि यहाँ का ऐसे कहते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग रहता है, और कंपटीशन भी अच्छी रहती है, और अलग अलग टाइप के बॉलर्स खेलने मिलते हैं, विकेट्स भी अलग रहते हैं, तो उससे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं तुमको, और उससे एक्सपीरियंस से तुम सीख सकते हो ठीक से। ये थे प्रतिभा के धनी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, और उनके साथ ये बातचीत मैंने पिछले वर्ष उनकी इंग्लैंड यात्रा की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड की थी। आपसे मिलिए कार्यक्रम से विजय राणा को यही आज्ञा दीजिए। नमस्कार।